ये मुल्क है तो मस्जिदें कायम हैं, ये मुल्क है तो मदारिस कायम हैं, ये मुल्क है तो आपके दीनी तमाम मामलात कायम और दायम हैं, ये मुल्क है तो आप आज़ादाना नमाज दुरूद व सलाम इबादत कर रहे हैं। ये मुल्क ना रहा और काफिरों की हुकूमत रही तो फिर ये कुछ भी ना कर सकेंगे आप। ऐसा ना हो कि अनार्की के वो आग लग जाए मुल्क के अंदर के एक दूसरे के गले काटने लग जाएं, एक दूसरे को आग लगाने लग जाएं, एक दूसरे की इबादत गाहों को मुसलमान मुसलमान के ही गले काटने लगे, मुसलमान मुसलमान के ही सीने गोलियों से छन्ने करने लग जाए, मुसलमान मुसलमान के ही घर की इज्जतें लूटने लग जाए और फिर यमन और शाम के हालात पैदा हो जाएं कि मुसलमान मुसलमानों को बमों से उड़ाने लगे और हर तरफ खून के छींटे हों, लाशें हों, ना मरने वाले को पता क्यों मारा गया, ना मारने वाले को पता क्यों मारा गया, नमाज़ पढ़ने वाला भी मुसलमान, पढ़ाने वाला भी मुसलमान, उड़ाने वाला भी मुसलमान, सब कलमा पढ़ने वाले हैं और किसी को ना पता हो ये आग लगी तो क्यों लगी और घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं पूरी कौम के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अकाबरीन की कॉल ज़रूर है, उस पर लब्बैक भी कहें, लेकिन समझदारी का दामन, हिकमत का दामन, अपनी दानाई का दामन हाथ से ना छोड़ें। दुश्मन हमें लड़ाना चाहता है, हमारे ही तलवार से हमारे ही गले कटवाना चाहता है, हमारी ही गोली से हमारे ही भाइयों के सीने छन्नी करना चाहता है, हमारे ही मोहल्ले में हमारे ही खून की नदियों पे हमारी ही लाशों को तैराना चाहता है, हमारे ही मुल्क को हमारे ही हाथों से आग लगवाना चाहता है ताकि दुश्मन दूर से बैठकर तमाशा देखे कि मुसलमानों को देखो हमने ज़रा सी चिंगारी लगाई, फूके मान कर इन्होंने आशियाने को आग लगा कर शोलों में खुद भड़का दिया है। अगर एक गिरोह ने नादानी की है तो दूसरा नादानी ना करे। अकल, समझ, दानाई और हिकमत से दुश्मन को पहचाने जो मुसलमानों के मुख्तलिफ गिरोहों को लड़ाना चाहता है मुख्तलिफ अंदाज में। ना गुस्ताखी बर्दाश्त की जाएगी, ना शरारत को बर्दाश्त किया जाएगा, ना बेअदबियों को सपोर्ट किया जाएगा, ना इस तरह के लोगों की किसी तरह हिमायत की जा रही है, इन सब का बायकॉट किया जाए, लेकिन ये सारे मामला हिकमत व दानाई से किए जाएँ। ऐसा ना हो कि पूरा मुल्क ही अनार्की का शिकार हो जाए और फिर हाय अफसोस सब कुछ लुट गया। ऐसा ना हो कि अपने ही गिरेबान और अपने ही हाथ। अल्लाह हिकमत व दानाई हमें आता फरमाए। यहूदियों की साजिश, इसराइलियों की साजिश, बैरूनी क़ुव्वतों की साजिश, सऊदीया अरब के मौजूद सऊदी नादान और नालायक हुक्मरानों की पॉलिसीज़ और बिक जाने वाले नाम निहाद मुसलमान रहनुमाओं के सौदेबाजी, अल्लाह सब से मुस्लिम उम्मा को महफूज और मामून फरमाए और हम सबको ईमानी क़ुव्वत, जज्बा, गैरत, हिकमत व दानाई अता फरमाए। ना जब तक मट मेरूँ मैं ख्वा जाए बथा की अजमत पर, न जब तक मट मेरूँ मैं ख्वा जाए बथा की अजमत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। और कल भी नबी अलैहिस्सलाम से हमारा रिश्ता कायम था और आज भी नबी से हमारा रिश्ता कायम है और आइंदा भी नबी और उसके दीन से हमारा रिश्ता कायम और दायम रहेगा। बतला दो गुस्ताख़े नबी को, बतला दो गुस्ताख़े दीन को, बतला दो गुस्ताख़े सहाबा को कि गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।